बी हमारे पास हो गया है। बीजेटी को मैंने बोला था कि बीजेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही क्यों बोला जाता है इसको। क्या बोला मैंने, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही क्यों बोलते हैं इसको। बाईपोलर बोलने का मतलब है यहाँ पर कि हमको मालूम है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो हमारा पी टाइप का हो चाहे वो हमारा एन टाइप का हो। तो अगर एन टाइप की बात करते हैं तो एन टाइप में क्या होते हैं हमारे पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, क्या होते हैं जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं यहाँ पे क्या जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास होल्स होते हैं, क्या होते हैं होल्स होते हैं, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एन टाइप में अगर हम देखें तो एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास क्या हो जाते हैं होल्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं होल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे तो बाइपोलर का मतलब हो गया कि ऐसे ट्रांजिस्टर जिसमें जो करंट फ्लो होंगी वो करंट क्या होंगी मेजोरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों के कारण फ्लो होती हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रखा गया। इसी की जगह अगर हम एफईटी पढ़ रहे होते हैं तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, वहां जो करंट फ्लो होती है वो केवल मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है, इसके कारण फ्लो होगी केवल मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए उसको यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसलिए एफईटी को यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, तो इसके बाद देखते हैं तो ये समझ में आ गया होगा इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या देखने वाले हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसका मतलब संरचना क्या देखने वाले हैं इसकी, इसकी संरचना देखने वाले, ठीक है। तो बाइपोलर जंक्शन मैंने बोला था कि ये एक थ्री लेयर डिवाइस है, कैसी डिवाइस है एक थ्री लेयर डिवाइस है, थ्री लेयर डिवाइस क्या बोलेंगे इसको हम, एक थ्री लेयर थ्री टर्मिनल, क्या बोलेंगे थ्री लेयर थ्री टर्मिनल और क्या बोलेंगे टू जंक्शन डिवाइस है, कैसी डिवाइस है टू जंक्शन डिवाइस, ठीक है। क्या होगा यहां पर ये मेरे पास हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इस तरफ जो रहेगा एक मेरे पास ये लेयर हो गया, एक मेरे पास ये लेयर, ये मेरे पास हो गया, ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया, ये हमारी सेकंड लेयर हो गई, ये हमारी थर्ड लेयर हो गई। जो फर्स्ट लेयर है उसको हम लोग हमेशा क्या नाम देते हैं, एक लेयर को हम लोग एमिटर का नाम देते हैं, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो लेयर है उसको एमिटर बोलेंगे, जो हमारी दूसरी लेयर है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो हमारे पास तीसरी लेयर है उसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कलेक्टर। हिंदी में एमिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिटर को हम लोग उत्सर्जक बोलते हैं, क्या बोलेंगे उत्सर्जक बोलेंगे, ठीक है। बेस जिसको बेस ही बोल दिया था, बेस को ऐसे लोग बोल सकते हैं, ये क्या होता है आधार बोल सकते हैं, बेस को हम लोग क्या कह सकते हैं आधार बोल देंगे। कलेक्टर को संग्राहक बोला जाता है, क्या बोलते हैं संग्राहक बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि जो एमिटर है बेस है कलेक्टर है इन तीनों का साइज क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, तीनों का साइज डिफरेंट रहेगा, तीनों की डोपिंग लेवल डिफरेंट होगी, तीनों की क्या होगी डोपिंग लेवल डिफरेंट रहेगी और तीनों के अलग अलग कार्य होंगे, क्योंकि इनकी डोपिंग और क्या इनकी डोपिंग और साइज अलग अलग है इसलिए इन तीनों के कार्य भी क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो क्यों इसको उत्सर्जक बोला जा रहा है, क्यों इसको बेस बोला जा रहा है, क्यों इसको संग्राहक बोला जा रहा है, वो हमको समझ में आ जाएगा क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एमिटर से जब हम क्या करते हैं यहाँ मेटल कॉन्टेक्ट बनाकर जब हम क्या करते हैं टर्मिनल निकालते हैं तो इसको हम लोग एमिटर टर्मिनल बोल देते हैं। बेस से हम क्या करते हैं, बेस से हम क्या करेंगे मेटल कॉन्टेक्ट बनाकर जब टर्मिनल निकालेंगे तो उसको हम लोग बेस टर्मिनल बोल देते हैं।
इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, कलेक्टर से लेयर से हम टर्मिनल निकालते हैं तो उसको हम लोग कलेक्टर टर्मिनल बोल देते हैं। तो हमारे पास मैंने क्या बोला, थ्री लेयर में एक एमिटर लेयर, बेस लेयर, कलेक्टर लेयर। जब इन्हीं लेयर से हम तीन कॉन्टैक्ट निकालते हैं या तीन टर्मिनल निकालते हैं तो वो कौन से तीन टर्मिनल है, एक एमिटर टर्मिनल हो गया, एक बेस टर्मिनल हो गया, एक कलेक्टर टर्मिनल हो गया। ठीक है, मैंने जैसा कि बात किया कि जब मैंने बताया था सर क्लासिफिकेशन के बारे में, तो मैंने बोला था ये दो टाइप के होते हैं, एक हमारा एनपीएन होता है, एक हमारा क्या होता है पीएनपी होता है। एक एनपीएन टाइप का होता है, एक पीएनपी टाइप का होता है। अगर हम एनपीएन की बात करें तो एनपीएन में ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हम क्या कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं ये कौन सा मेरे पास होता, पीएनपी होता, तो ये वाली लेयर पी होती, ये वाली लेयर एन होती और ये वाली लेयर पी होती। तो एक चीज तो हमको ये देखने को मिलता है, एक चीज हमें ये देखने को मिल रहा है कि चाहे हम एनपीएन ले लें, चाहे हम पीएनपी ले लें, चाहे हम एनपीएन की बात करें या पीएनपी की बात करें, तो इसमें जो एमिटर और कलेक्टर होंगे वो सेम टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। क्या याद रखना है कि जो एमिटर और कलेक्टर होंगे वो सेम टाइप के क्या, सेम टाइप के क्या होंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करेंगे। जैसे हम क्या देख रहे हैं, एमिटर जब हम एनपीएन लेते हैं, एनपीएन लेते हैं, तो एमिटर और कलेक्टर एन टाइप से बने हुए हैं, बेस हमारा बीच में क्या होगा वो पी टाइप का होगा। ठीक है, जब हम पीएनपी की बात कर रहे हैं तो एमिटर और कलेक्टर पी टाइप के बने हुए हैं और बेस हमारा किसका है, एन का बना हुआ। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि एमिटर और कलेक्टर दोनों क्या होंगे, सेम टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होंगे। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जंक्शन की बात करते हैं। हम यहाँ पे दो जंक्शन देख रहे हैं, दो जंक्शन कौन कौन से देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा जंक्शन क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक जंक्शन देखो एमिटर के पास देखा, देखो बेस दोनों में कॉमन है। इस जंक्शन के लिए देखो, इस जंक्शन के लिए भी बेस कॉमन, इस वाले जंक्शन पे भी बेस कॉमन है, इस वाले जंक्शन पर भी बेस है और इस वाले जंक्शन पर भी हमारा क्या है, बेस है। चूंकि इधर एमिटर है तो इस वाले को जंक्शन को इसको हम लोग नाम दे देते हैं जेई का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे, जेई का नाम दे देंगे। जेई मतलब क्या हो गया, जेई मतलब हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे, जेई का मतलब हो गया तुम्हारे पास एमिटर जंक्शन। क्या हो गया, एमिटर बोल रहे हैं कि जब हम लोगों ने डायोड पढ़ा था तो डायोड में क्या होता था, डायोड में एक तरफ पी होता था और एक तरफ क्या होता था, एन होता था, ये तो होता था और बीच में क्या बनता था, जंक्शन बनता था। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एमीटर और बेस के बीच में एक जंक्शन बन रहा है। देखो इधर पी है और इधर एन है, तो हम बोल सकते हैं कि पी और एन की वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, एक जंक्शन बन रहा है। चूंकि एमीटर और बेस है तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया है, एमीटर जंक्शन। ठीक है, एमिटर जंक्शन हो जाएगा हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हम जंक्शन जो देख रहे हैं, एक जंक्शन हमारा यहाँ बन रहा है। देखो यहाँ पर भी एक पी और एन बन रहा है, एक पी और एन दो लेयर है हमारे पास, एक डायोड की तरह देखो दिख रहा है हमको, पी एन जंक्शन दिख रहा है। तो ये वाला जो जंक्शन होगा उसमें कलेक्टर हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका हम लोग नाम जेसी रख देते हैं। जेसी मतलब क्या हो जाएगा, जेसी मतलब होता है हमारे यहाँ हो जाएगा, तो जेसी जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखेंगे। इस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा, इसी कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक थ्री लेयर डिवाइस है। थ्री लेयर में एक एमिटर लेयर है, एक कलेक्टर लेयर है, एक बेस लेयर है। तीनों का साइज डिफरेंस है, तीनों का साइज क्या हमारा डिफरेंस होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों तीनों का साइज डिफरेंस क्यों बनाया गया। अब इस पर भी हम देखा क्योंकि तीनों की डोपिंग भी अलग है, तो हम ये भी देखेंगे कि तीनों की डोपिंग भी क्यों अलग अलग बनाई गई है। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि एक हमारे पास क्या है, एमिटर है, बेस है, कलेक्टर, तीन लेयर्स हैं। इनके इनसे हमने तीन लेयर, तीन टर्मिनल प्राप्त किए, एमिटर से एमिटर टर्मिनल, बेस से बेस टर्मिनल, कलेक्टर से कलेक्टर टर्मिनल देखा। दो हमने जंक्शन देखे, एक हमारे पास क्या है, एक जेई जो एमिटर और बेस के बीच में, उसको हमने एमिटर जंक्शन का नाम दिया। बेस और कलेक्टर के बीच में हमने कलेक्टर जंक्शन का उसको नाम दिया। इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक लेयर के बारे में देखते हैं कि लेयर का साइज, लेयर कैसे बनाया गया, लेयर का साइज क्यों डिफरेंस बनाया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे आते। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेयर्स के बारे में। तो लेयर्स में हम क्या देखेंगे, लेयर्स में सबसे पहली लेयर हमारी एमिटर की लेयर है। सबसे हम एमिटर लेयर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एमिटर
लेयर। क्या है मीटर लेयर में? देखो ये मीटर लेयर की पहले हम बात करते हैं साइज की बात करते हैं। साइज हो सकते हैं उसको क्या हो सकते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं। जो इसका एरिया होगा क्या याद रखना है, इसका जो एरिया होगा वो बेस से क्या होगा, अधिक होगा। क्या रखना है, बेस से अधिक रखा जाएगा और कलेक्टर से कम रखा जाएगा। क्या याद रखना है, जो इसका साइज या हम एरिया की बात करें तो हमेशा याद रखना है बेस टर्मिनल से इसका एरिया अधिक रहेगा और कलेक्टर से, कलेक्टर के एरिया से इसका एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। दूसरा चीज, इसका डोपिंग लेवल का हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं इसकी, इसकी अगर हम डोपिंग लेवल की बात करेंगे तो डोपिंग लेवल में याद रखना है, भले इसका साइज कलेक्टर से कम रखा गया हो लेकिन इसका जो डोपिंग लेवल होगा वो बेस और कलेक्टर दोनों से क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो जो डोपिंग लेवल होगा वो बेस एवं कलेक्टर दोनों से क्या रहेगा, दोनों से हाई होगा। ठीक है। तो क्या है, हम देख रहे हैं यहां पर कि जो डोपिंग लेवल रखा गया है वो बेस और कलेक्टर दोनों से क्या रखा गया है, हाई रखा गया है, लेकिन साइज जो था वो बेस से अधिक रखा गया है, कलेक्टर से कम रखा गया है। अब इस एमिटर लेयर का काम क्या होता है, इस एमिटर लेयर का काम होता है क्या करना, चार्ज कैरियर्स को क्या करना, जनरेट करना। क्या करना, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स को अधिक से अधिक से अधिक मात्रा में जनरेट करना। क्या याद रखना, अधिक से अधिक मात्रा में जनरेट करना। तो ये हमारे पास एमिटर लेयर हो गया, हमारे पास एमिटर लेयर हो गया। एमिटर लेयर में क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले उसके साइज के बारे में ध्यान रखना है। उसका साइज या एरिया की बात करेंगे तो याद रखना उसकी बेस से अधिक रखना है, कलेक्टर से कम रखना है। ठीक है। दूसरा चीज, डोपिंग लेवल क्या रखना है, बेस एवं कलेक्टर दोनों से इसकी डोपिंग लेवल हाई रखनी है। डोपिंग हाई लेवल दोनों से हाई रखने का मकसद क्या है, दोनों से हाई रखने का मकसद केवल इतना है कि ये अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सके, चार्ज कैरियर्स को जनरेट कर सके। यदि तुम इसको देखो, यदि तुम क्या करते हो, पीएनपी लेते हो, अगर तुम पीएनपी लेते हो तो पी में ये क्या करेगा, अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेगा, होल्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अगर तुम एनपीएन लेते हो तो ये अधिक से अधिक मात्रा में क्या जनरेट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एमिटर पी टाइप का बनेगा तो होल्स अधिक मात्रा में जनरेट करेगा, एमिटर यदि एन टाइप का बनेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में जनरेट करेगा। तो ये सबको एमिटर के बारे में समझ में आ गया, एमिटर लेयर के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तीन पॉइंट एमिटर लेयर के बारे में अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो हम दूसरा लेयर को लेकर चलते हैं, बेस लेयर को लेकर चलते हैं, बेस लेयर के बारे में। बेस की बात करें अगर हम, बेस लेयर को लेकर चलते हैं, बेस को लेकर चलते हैं, तो बेस में हम क्या देख रहे हैं, बेस का जो साइज और एरिया रहेगा क्या याद रखना है, जो साइज और एरिया है वो क्या रखना है, क्या होगा, एमीटर क्या याद रखना है, एमीटर एवं कलेक्टर दोनों से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रखना है, दोनों से कम रहेगा, चाहे उसकी हम क्या बात करें, साइज एंड एरिया की बात करें या हम उसके डोपिंग लेवल की बात करें। क्या बात करें, उसके डोपिंग लेवल, यानी उसका साइज और एरिया भी, डोपिंग लेवल भी हमें एमिटर और कलेक्टर से कम रखना है। क्योंकि इसका मेन काम है क्या, इसका मेन काम केवल इतना है, इसकी वर्किंग की बात करें, इसका मेन है काम क्या, इसका मेन काम है कि एमिटर से, एमिटर से जो जनरेट होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे उन चार्ज कैरियर्स में से कुछ चार्ज, कुछ जो कैरियर्स होंगे उनको क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। क्या करना, कुछ चार्ज कैरियर्स को न्यूट्रलाइज करके जो शेष बचे हुए चार्ज कैरियर्स, जो शेष बचे हुए मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे उनको कलेक्टर की ओर क्या करता है, प्रोवाइड करता है या ट्रांसफर करने का काम करता है। वो कितने इलेक्ट्रॉन को या कितने होल को क्या कर रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को न्यूट्रलाइज कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि तुमने बेस जो तुमने लिया है, बेस जो लिए हो वो बेस की डोपिंग की। तो यहाँ समझ में आएगा, तो लगभग लमसम यहाँ पे हम 2-5% तक क्या कराते हैं, चार्ज कैरियर्स को न्यूट्रलाइज कराते हैं, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ डोपिंग को चुनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो डोपिंग लेवल होगी वो हमारी क्या होगी,
एमिटर लेयर से और कलेक्टर लेयर से कम रखी जाएगी। तो बेस का काम क्या होगा, बेस का काम होता है कि क्या करना, एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर्स को, एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर में से कुछ चार्ज कैरियर को न्यूट्रलाइज करना, और शेष बचे हुए चार्ज कैरियर्स को, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को ये क्या करता है, कलेक्टर की ओर क्या कर देता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो सबको समझ में आ गया, बेस का भी काम समझ में आ गया, तो इस पॉइंट को लिख लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे सब लोग, कि जो बेस टर्मिनल होगा वो एमिटर से आने वाले मेजोरिटी चार्ज कैरियर में से कुछ चार्ज कैरियर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, और शेष बचे हुए चार्ज कैरियर्स को कलेक्टर की ओर क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है। तो ये हमारे बेस का काम होता है, इसलिए बेस की जो डोपिंग लेवल रखा जाता है वो भी कम रखा जाता है, और इसका साइज और एरिया भी क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, ठीक है। इतना बेस के बारे में समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कलेक्टर का काम क्या होगा, क्या देखेंगे हम कलेक्टर का क्या काम होगा, कलेक्टर लेयर। इस कलेक्टर लेयर का काम क्या है, संग्राहक परत बोल सकते हैं इसको। तो क्या काम होगा कलेक्टर लेयर का, इसका साइज क्यों बड़ा बनाया गया, तो इसको पहले हम देख लेते हैं कलेक्टर का काम क्या है। कलेक्टर का काम क्या होता है, देखो कलेक्टर की जो डोपिंग लेवल, सबसे पहले इसकी साइज की बात करते हैं, इसके हम साइज और अगर एरिया की बात, साइज या एरिया बोले उसको, कि अगर हम बात करें तो इसकी साइज और एरिया एमीटर और क्या हमारे पास एमीटर एवं बेस, एमीटर एंड बेस दोनों लेयर से क्या होगी, अधिक रहेगी, दोनों से अधिक रहेगा। साइज क्या रहेगा, सबसे लार्जर रहेगा, ठीक है। उसके बाद से इसका जो डोपिंग लेवल होगा क्या होगा, इसका जो डोपिंग लेवल होगा वो तुम्हारे एमीटर से कम होगा, एमीटर लेयर से कम होगा और बेस से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में बैठा लो इसको एकदम अच्छे से। जो साइज और एरिया है वो एमीटर और बेस दोनों से बड़ा बनाया जाएगा, और जिसका डोपिंग लेवल होगा वो एमीटर से कम रखा जाएगा और बेस से हमेशा क्या रखा जाएगा, अधिक रखा जाएगा। कारण क्या है ऐसा करने से, इसका साइज बड़ा रखने का कारण क्या है, साइज इसका बड़ा रखने का ये का मेन कारण क्या है, कि ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये अपने चार्ज कैरियर्स को तो स्टोर करके रखता ही रखता है, साथ साथ में ये एमीटर से आने वाले, एमीटर से जो उत्सर्जित हुए थे इलेक्ट्रॉन में, वो जो बेस से ट्रांसफर होके आ रहे थे, ये उनको भी क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखना होता है, इसलिए इसका साइज जो होता है वो एमीटर और बेस की तुलना में बड़ा रहता है, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि ये अपने चार्ज कैरियर को तो रखेगा ही रखेगा, लेकिन एमीटर से उत्सर्जित होने वाले चार्ज कैरियर को भी अपने पास रखता है, स्टोर करके रखने लगता है, स्टोर करने लगता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, साइज में बड़ा बनाते हैं। इसलिए देखो इसका नाम कलेक्टर भी रखा गया है, संग्राहक भी रखा गया है, क्योंकि ये क्या करेगा, कलेक्ट करके रखेगा जो इमीटर से उत्सर्जित चार्ज कैरियर्स होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन में होल से होने वाले हैं, उनको स्टोर करके ये रखेगा, इसलिए इसका साइज क्या होता है, बड़ा बनाया जाता है। एक दूसरा मेन कारण भी होता है, एक दूसरा मेन ये कारण होता है कि जब हम आगे पढ़ेंगे इसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्किंग में ध्यान देंगे कि मेनली अगर हम जब एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं तो जो हमारा इमीटर और बेस टर्मिनल होता है, देखो एक जंक्शन है, ये जंक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर अगर हम कनेक्ट करें, इसको हमेशा हम फॉरवर्ड बायस में जब एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो इसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। डायोड सब लोगों ने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, जब हम एन को निगेटिव और पी को पॉजिटिव बनाते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। यदि हम पी को पॉजिटिव या एन को निगेटिव बना देंगे तो हमारा फॉरवर्ड बायस में, तो याद रखना है कि पीएनपी है कि एनपीएन है, उसी हिसाब से हम फॉरवर्ड बायस चुनते हैं। यहाँ पे कैसे लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं उसको। दूसरा देखो एक जंक्शन मेरे पास यहाँ पर है, इसको हमेशा हम क्या बनाते हैं, इसको हमेशा हम रिवर्स बायस में रखते हैं। अधिकांश जो यूज किया जाता है, जो हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, इसको रिवर्स बायस में रखेंगे। ये क्यों रखते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, अभी मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि कलेक्टर का साइज क्यों बड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने चीज देखो यहाँ पे कि ये रिवर्स बायस में है, तो ये जंक्शन किसमें है, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में ये जंक्शन, अगर ये रिवर्स बायस में होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही केवल क्या होंगे, पास होंगे। क्या पास होंगे, केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही पास होंगे। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास होंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे की तुलना, इसकी तुलना में ये टेम्परेचर से ज्यादा इफेक्टेड होगा, होगा ना होगा यहाँ पे। तो कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होने की वजह से ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर से ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो कलेक्टर वाले टर्मिनल का है, जो कलेक्टर की तरफ हमारा बीजेटी होगा, वो बहुत जल्दी क्या होगा, हीट कर जाता है। क्या करता है, इधर की तुलना में ये कलेक्टर की तरफ क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट करेगा। तो हीट अब हम क्या देखते हैं
कि इसका एरिया जितना ज्यादा बड़ा बनाओगे तो ये इन्वायरमेंट में क्या होगा, उतना ही ज्यादा संपर्क में रहेगा ना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हीट जनरेट हो रही है। तो इसका साइज इसलिए बड़ा बना दिया गया है कि ये एरिया बड़ा इसलिए बनाया गया है कि अधिक से अधिक इन्वायरमेंट के संपर्क में रहे, जिसके कारण यहाँ पे जो जनरेट होने वाला क्या रहेगा, अगर हमारे पास जनरेट होने वाला अगर जो हीट रहेगी टेम्परेचर के बढ़ने से, वो क्या हो सके आसानी से एनवायरमेंट में जा सके। तो इसलिए इसका साइज भी देखो, जितना ज्यादा ये एरिया कवर करेगा बाहर एनवायरमेंट रहेगा, उतना ही अच्छे से क्या करेगा इसमें जनरेट होने वाले हीट को डिसिपेट कर पाएगा बाहर की ओर। ठीक है, तो समझ में आ गया था सर। मेन दो कारण है, कोई पूछता है कि कलेक्टर को किस साइज को बड़ा बनाने के मेन दो कारण क्या, मेन कारण क्या होता है, तो दो रीजन बताएंगे उसके, दो मेन रीजन बताएंगे। पहला तो कि ये क्या करता है, अपने चार्ज कैरियर्स को, अपने चार्ज कैरियर्स को तो रखा ही रखा है, लोगों को रखा ही रखा है, एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर्स को भी अपने पास स्टोर करके रखता है, स्टोर करता है, इसलिए इसका साइज को बड़ा बनाया जाता है जो कि बेस से ऊपर आता है। दूसरा मेन कारण है कि जो रिवर्स बायस में होने, इसको मेनली हम क्या करते हैं कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में यूज करने से, ये टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट होती है। तो जितना बड़ा साइज बनाएंगे उतना ज्यादा एनवायरमेंट के प्रभाव में रहेगा, एनवायरमेंट के उसमें संपर्क में रहेगा, और जितना ज्यादा एनवायरमेंट के संपर्क में रहेगा उतने ही ज्यादा ये क्या करेगा जनरेट होने वाली हीट को बाहर एनवायरमेंट में डिसिपिएट कर पाएगा। ठीक है, तो कलेक्टर के बारे में समझ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, तीनों के साइज हमने देख लिया क्यों डिफरेंट बनाए गए, तीनों के डोपिंग लेवल हमने देख लिया क्यों, तो तीनों के डोपिंग लेवल क्यों डिफरेंट बनाए गए, कलेक्टर को बड़ा बनाने का मेन कारण क्या था यहाँ पर। तो सबको समझ में आया होगा, यहाँ पे दो जंक्शन की बात की, एक इमीटर जंक्शन की बात की, एक कलेक्टर जंक्शन की बात की। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया है यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जे लेवल पर इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछा गया है कि इसको ये एक असिमेट्रिकल डिवाइस है या एक सिमेट्रिकल डिवाइस है, ये एक असिमेट्रिकल डिवाइस है या एक सिमेट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल मतलब होता है कि देखो सबसे पहले तो याद रखना कि ये एक असिमेट्रिकल डिवाइस है। क्या याद रखना है, असिमेट्रिकल डिवाइस है, क्यों ये एक असिमेट्रिकल डिवाइस है देखना है यहाँ पे। असिमेट्रिकल इसलिए इसको असिमेट्रिकल इसलिए बोलते हैं कि देखो यहाँ पर एमिटर और ये दोनों क्या है, देखो एन टाइप के हैं, दोनों ही एन टाइप के हैं, एन टाइप के होने के बावजूद भी या पी टाइप के होने के बावजूद भी हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। क्या याद रखना है कि हम एमीटर टर्मिनल को और कलेक्टर टर्मिनल को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कलेक्टर को एमीटर की तरह यूज कर ले और एमीटर को कलेक्टर की तरह यूज कर ले। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों के साइज भी क्या है, अलग अलग है, दोनों के वर्किंग भी क्या है, दोनों के साइज भी अलग अलग है, दोनों के डोपिंग लेवल भी अलग अलग है, दोनों का देखो यहाँ पे अलग अलग तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए ये क्या है असिमेट्रिकल डिवाइस है। असिमेट्रिकल डिवाइस इसलिए क्योंकि हम इसमें एमीटर और कलेक्टर को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। यही जब हम लोग एफईटी पढ़ेंगे, जब हम एफईटी पढ़ने वाले हैं तो एफईटी में जब हम मॉस्फेट पढ़ेंगे तो मॉस्फेट को सिमेट्रिकल डिवाइस बोला जाता है। क्यों सिमेट्रिकल डिवाइस बोला जाता है, क्योंकि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास वहां पे हमारे पास ड्रेन सोर्स और गेट होने वाला है, तो वहां पे हम दो टर्मिनल जो ड्रेन सोर्स है उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए वो सिमेट्रिकल डिवाइस है। तब समझ में आ गया सबको, ये सिमेट्रिकल डिवाइस क्यों है, असिमेट्रिकल डिवाइस इसलिए है क्योंकि इसमें एमिटर और कलेक्टर टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता है, भले ही वे दोनों एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए हों। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का डोपिंग लेवल अलग है, दोनों की वर्किंग अलग है, दोनों का साइज अलग है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो असिमेट्रिकल डिवाइस सब लोगों ने देखा कि एमिटर बेस कलेक्टर के बारे में देख लिया। एक छोटा सा थोड़ा समय बचा बता देता हूँ इसके बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में कि यहाँ पे सब लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक हमको क्या दिख रहा है, पीएन दिख रहा है, यहाँ पे देखो दो डायोड दिख रहे हैं, एक डायोड तुम्हें क्या दिख रहा है पी से एन की ओर दिख रहा है, दिख रहा है ना, और एक पीएन डायोड ये दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो दो डायोड होते हैं वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में क्या होते हैं, सीरीज में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। अगर मैं इसको बनाऊं, अगर मैं सबसे पहले बात देखूं यहाँ पे एनपीएन की मैं बात करूं तो एनपीएन में कैसे रहेगा, तो हम एनपीएन में कैसे रहेगा देखते हैं। सबसे पहले हम एनपीएन की बात करें, एनपीएन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एनपीएन की बात करते हैं। तो एनपीएन में क्या है, एनपीएन देखो एक पीएन इस दिशा में, क्योंकि पी को हमेशा क्या करते हैं पी का एन दिखा पे, तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, इस दिशा में डायरेक्शन बनेगा यहाँ पे, एक डायोड तुम्हारा ये पीएन हो गया, एक पीएन डायोड तुम्हारा ये हो गया, तो इस तरह से एक डायोड मेरा पीएन की हो गया, तो कह सकते हैं इस तरह से
ये तुम्हारे पास आ गया फलन टाइप, ये तुम्हारे पास हो गया डी। ये हम बोल सकते हैं ये डायोड डी वन है, ये डायोड डी टू है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर क्या है, दो डायोड क्या है, सीरीज में संयोजक है लेकिन एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अगर हम यही क्या लेंगे जब हम पीएनपी लेके चलेंगे तो पीएनपी में देखो क्या है, पी एन हमेशा डायोड प्रोडक्शन पी सेन की ओर होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पी हो जाएगा यहाँ पे, ये एन इसी तरह से हम क्या करेंगे एक डायोड, यहाँ देखो इस वाले में अगर हम क्या करेंगे पी एन की बात करेंगे तो पी से एन की ओर इधर रहेगा डायरेक्शन, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास एमीटर हो गया और ये हमारे पास कलेक्टर, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये ट्रांजिस्टर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आज हमने क्या देखा बीजेटी का अलग अलग ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, बीजेटी का इंट्रोडक्शन देखा हमने, फिर मैंने बीजेटी को बताया कि दो एनपीएन और पीएन टाइप के होते हैं, फिर मैंने बताया कि उसका कंस्ट्रक्शन बीजेटी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बीजेटी एक कंट्रोलिंग डिवाइस है, एक असिमेट्रिकल डिवाइस है, ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बीजेटी का, मेरे पास हो गया। तो अगले वाले में हम क्या करेंगे, अगले वाले जब मैं वीडियो बनाऊंगा या अगला वाला जो मेरा लेक्चर होगा वहां पर हम बीजेटी की वर्किंग के बारे में देखेंगे कि एक एनपीएन किस तरह वर्क करता है और एक पीएनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।